तो वही कासगंज में तेज गर्मी के बाद शाम को आई आंधी और बारिश आफत बनकर आई जिसमें जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र में दो अलग अलग गांव में दीवार गिरने के और पेड़ गिरने की वजह से एक महिला सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 12 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कासगंज जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है और सभी मृतकों के शवों का पंचनामा भर उन्हें पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है हालांकि मृतकों के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है देखा जाए तो कासगंज में आंधी और बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई इस दौरान गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है आंधी और तूफान की वजह से दो गांवों के घरों की दीवार गिर गई जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और करीब बारह लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं हालांकि परिजनों ने इस मामले में सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है कासगंज में आंधी और बारिश का भयावह मंजर देखने को मिला दो गांव में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं हालांकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिजनों ने इस मामले में सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है